आप इस देश में शादी करेंगे जाति देखकर, भेदभाव करेंगे जाति देखकर। अखिलेश यादव ने जब सीएम ऑफिस छोड़ा था तो सीएम ऑफिस को धोया गया था आर्थिक आधार पर। इस देश में सिर्फ एक ही जाति का इस देश में 90-95% जज है आर्थिक आधार पे। एक भी कुलपति जो है SC ST OBC का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है आर्थिक आधार पे। इस देश के JNU जैसे संस्थान में एक भी OBC प्रोफेसर नहीं है आर्थिक आधार पे। एक भी मीडिया में एंकर नहीं है SC ST OBC का आर्थिक आधार पे। अगर ये सब आर्थिक आधार पे है तब आप आरक्षण भी आर्थिक आधार पे दीजिए। और अगर नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। और मेरे पीछे ये जो लोग आप देख रहे हैं ये आए हैं जम्मू कश्मीर से। आए दिन देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग तबकों से हम आरक्षण की मांग की जो आवाज़ है वो उठते हुए देखते रहते हैं। लोगों को ये लगता है कि आरक्षण एक ऐसी दवाई है, एक ऐसा उपाय है कि अगर उन्हें आरक्षण मिल गया तो उनकी तमाम जो परेशानियाँ हैं उनका निवारण हो जाएगा, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल जाएगी, उनके बच्चों को स्वास्थ्य मिल जाएगा। और इसी उम्मीद में वो आए दिन इस तरीके की मांग करते हैं। जो भी जातियां हैं जिनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है या जो दबाए हुए समाज के लोग हैं वो अक्सर आरक्षण को एक वरदान के तौर पर देखते हैं। और आज यहाँ जो लोग आए हैं उनकी भी यही मांग है कि ये जो ऑल इंडिया SC ST कम्युनिटी है उनकी ओर से कि उन्हें SC ST कम्युनिटी में जो बकरवाल हैं उनको इंक्लूड किया जाए। कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं और बाकी की जानकारी उनसे ही जान लेते हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर ओम सुधा, और मैं ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC ST ऑर्गेनाइजेशंस का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज जो हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं, दो तीन मुद्दों पर हम लोग आज यहाँ जंतर मंतर पर जुटे हैं। हमारा जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो मुद्दा है कि सरकार ये करने जा रही है जम्मू कश्मीर में कि जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं उनको जो है रिजर्वेशन क्राइटेरिया में ले आया जाए, उनको ST SC दर्जा देकर रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आया जाए। हम लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं वो सवर्ण हैं, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव नहीं झेला है तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ये EWS जैसा मामला हो जाएगा। बहुत लोग सामाजिक भेदभाव का मतलब समझते हैं कि जिनके साथ सिर्फ छुआछूत किया गया। सामाजिक भेदभाव के कई मायने हैं। सामाजिक भेदभाव तब भी होता है जब पूरे देश में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वहाँ एक भी शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का कुलपति नहीं होता है, तो इसका मतलब होता है सामाजिक भेदभाव हुआ है। देश की जितनी भी सरकारी गैर सरकारी कंपनियां हैं उसमें एक भी CEO SC ST OBC का नहीं होता है, इसका मतलब है सामाजिक भेदभाव हुआ है। देश में जो जुडिशियरी है, देश की जो जुडिशियरी है, अगर जुडिशियरी में एक भी जज SC ST OBC का नहीं है इसका मतलब है भेदभाव हुआ है। और यह भेदभाव केवल हिंदी पट्टी का मामला नहीं है। चूंकि भारतीय राजनीति में हिंदी पट्टी हमेशा से रूल करती रही है इसलिए हिंदी पट्टी की समस्या देश की समस्या है। जम्मू कश्मीर की समस्या सिर्फ जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से देखा जाएगा, हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देखा जाएगा। हम जम्मू कश्मीर को देखने का एक नया नज़रिया दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी SC ST के साथ भेदभाव होता है। दूसरा जो हमारा मसला है, जो मंडल कमीशन की सिफारिश है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी भागीदारी, मंडल कमीशन की सिफारिश के हिसाब से जम्मू कश्मीर में हमारी 27% आबादी है, 27% आरक्षण चाहिए। सीधी सी बात है कि मंडल कमीशन की सिफारिश जम्मू कश्मीर में भी लागू करो। क्या इस देश की सरकार जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती? अगर देश के दूसरे हिस्सों में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो रही है तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ 4% क्यों होगी, 27% क्यों नहीं होगी? हमारी ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग हमारी पूजा जी है कि जम्मू कश्मीर में हमें जहां दर्जा मिल भी गया है हमें वहां पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए। चौथा जो एक बड़ा सवाल है कि हम लोगों की लड़ाई, हम लोग इसके लिए लगातार, हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ जम्मू कश्मीर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष RK कल्सोत्रा जी उनके नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में लगातार इस लड़ाई को जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक लड़ता रहा है। हम लोगों ने रामलीला मैदान भरा है और संसद का घेराव कई बार किया है इस सवाल पर, लेकिन ये जो सरकारें हैं ये सरकारें अपने मूल चरित्र में ही दलित आदिवासी विरोधी हैं।
इनको लगता है कि दलित आदिवासी जिनको बैठने का हक नहीं मिला, कभी खाट पे भी नहीं बैठने दिया जाता था, ये सोफे पर पैर चढ़ाकर जो बैठ रहे हैं, कैसे वापस इनको खाट पर से भी बैठने का हक छीन लिया जाए। इनको बर्दाश्त नहीं है कि हमारी थाली में खाना आ गया है, ये चाहते हैं कि हमारी थाली में खाना नहीं रहे, हमारा पेट पीठ से लगा हुआ रहे, ऐसे ही दलित की ये कल्पना करते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर हो चाहे दिल्ली हो, हर जगह भेद ये आपकी मांगे हैं। लेकिन आप जिस मंडल कमीशन को लागू करने की बात कर रहे हैं, जिस मंडल कमीशन को आप कश्मीर में भी लागू करने की बात कर रहे हैं, उसके विरोध में कमंडल बहुत पहले ही आ चुका है। और इस वक्त EWS जिसका आपने जिक्र किया, आर्थिक आधार पर आरक्षण का जो मुद्दा है, वो आप भी जानते हैं कि किस तरीके से OBCs को जीरो भर्तियां मिल रही हैं और 30-30 यहाँ पे रेलवे में भर्तियां मिल जा रही हैं EWS में, तो इससे क्या दिक्कत है? अगर आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलता है तो दिक्कत क्या है इससे? पूजा जी, आप इस देश में शादी करेंगे जाति देखकर, भेदभाव करेंगे जाति देखकर। अखिलेश यादव ने जब CM ऑफिस छोड़ा था तो CM ऑफिस को धोया गया था आर्थिक आधार पर। इस देश में सिर्फ एक ही जाति का इस देश में 90-95% जज है आर्थिक आधार पे। एक भी कुलपति जो है SC ST OBC का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है आर्थिक आधार पे। इस देश के JNU जैसे संस्थान में एक भी OBC प्रोफेसर नहीं है आर्थिक आधार पे। एक भी मीडिया में एंकर नहीं है SC ST OBC का आर्थिक आधार पे। अगर ये सब आर्थिक आधार पे है तब आप आरक्षण भी आर्थिक आधार पे दीजिए। और अगर इस देश में ये सब आर्थिक आधार पे नहीं है, आप जाति देखकर जज बनाए जाते हैं। अभी जो यू ललित जज बना है, क्या क्राइटेरिया है भैया कि आप सवर्ण हैं, ब्राह्मण हैं, आपके पिताजी जज थे? जितने कंपनी के CEO हैं सरकारी गैर सरकारी, उन कंपनी की CEO की क्या योग्यता है? सवर्ण है? जितने वाइस चांसलर हैं इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, एक भी SC ST का क्यों नहीं है? OBC प्रधानमंत्री है सर, वो आदिवासी राष्ट्रपति है। जाति हमारी नेता का नहीं चाहिए, हमारी जाति का बात करने वाला नेता चाहिए। तो हमारी जाति का बात करने वाला नेता नहीं है, हमारी जाति के खिलाफ जो बात करने वाले हैं वो नेता हैं। तो हमें जाति का नेता कभी नहीं चाहिए था, जाति का नेता तो हमेशा होता रहा है, जाति की बात करने वाला नेता चाहिए था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जाति की बात करते थे, जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते थे और उस डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने समझा, इसीलिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान दिया गया। लेकिन अभी जो सरकार सत्ता में है, इस सरकार के सामने हम अच्छे पार्क एवेन्यू का शर्ट पहन ले 5000 का, ये बर्दाश्त नहीं है ना। उन्होंने तो नंगा देखा लोगों को। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों JNU के वाइस चांसलर का बयान आया था कि शिव जो है वो दलित थे। क्यों ऐसा कहा आपने समझा? इसलिए ऐसा कहा कि एक ऐसा इनका हिंदू धर्म का जो मिथकीय भगवान है, नंग धड़ंग है, पहाड़ों पर रहता है, नशा करता है, तो वो दलित हो गया। इनकी भावना देखिए, ये कुलपति भी हैं तो इनकी भावना देखिए। आप बताइए, एक ऐसा हिंदू देवता जो कि भगवान के पैरों में रहता है, राम के पैरों में, उसको योगी कहता है कि वो दलित है क्योंकि वो पैरों में है, गुलाम है। ये भाजपा और संघ की राजनीति ही यही है, ये हमें गुलाम देखना चाहते हैं, ये हमें नंग धरंग देखना चाहते हैं। तो जब मंडल के विरोध में कमंडल आया और अब वो कमंडल वाली सरकार आई है, तो आपको लगता है कि ऐसे में मंडल के जो विचार थे या मंडल की जो योजनाएं थी जिनको वो लागू करना चाहते थे, वो अब जो आपकी मांगे हैं उस हिसाब से अगर लागू हो भी जाती है तो उनका कुछ असर होगा? असर तो बिल्कुल होगा। एक बात तो समझ लीजिए कि तब भी कमंडल था, उस समय भी मंडल लड़ा। जिस समय कमंडल था, जिस समय पहली बार कमंडल आया था, मेरे दादा भैंस चराते थे, मंडल भी था। अब हम हवाई जहाज में चलने लगे तो मंडल का असर तो है। और मंडल का असर अगर पूरी तरह हो गया तब उसकी कल्पना करिए कि क्या होगा। ये तो ठीक से मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं करने दे रहे हैं, तब हम बकरी चराने और गाय चराने से लेकर कोट पैंट और हवाई जहाज में आ गए। इनके सारे मेरिट का तेल आरक्षण से निकल जाता है, इनके सारे मेरिट का तेल निकल जाता है। 75 साल हो गए, आप कह रहे हैं मंडल का असर है। मंडल का यही असर है कि एक शिक्षक एक बच्चे को मार दे पानी पीने के लिए? ये मंडल का असर नहीं है, ये कमंडल इफेक्ट है। मंडल तो उसके खिलाफ लड़ रहा है, ये कमंडल इफेक्ट की बात हो रही है। ये कमंडल इफेक्ट है
कि किसी बच्चे को पीट दिया जाए मटके मटका छूने पे, किसी दलित को घोरी चढ़ने। पूरा सवाल यही था सर कि जो ये इफेक्ट की बात आपने खुद कही कि ये कमंडल का इफेक्ट है, तो इफेक्ट किसका ज्यादा है 75 सालों बाद आज हम कहाँ हैं? इसके लिए कोई तराजू और बटखरा नहीं है। अगर आपको लगता है कि असर नहीं है तो फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। असर तो है, लेकिन आप सोचेंगे जिस तरह अमेरिका के समाज में ब्लैक जो है वाइट की लड़ाई लड़ते हैं, जो उस देश का जो ब्लैक है, काले हैं, जो वाइट हैं, जो गोरे हैं, जिन्होंने शोषण किया है, वो ब्लैक की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आप भारतीय समाज में सवर्णों से ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो दलित की लड़ाई लड़ेगा। एक्सेप्शन की मैं बात नहीं करता, एक बड़ी लड़ाई, मुकम्मल लड़ाई कि दलितों की लड़ाई लड़े, आरक्षण की लड़ाई लड़े, उनके भेदभाव के खिलाफ लड़े, ये आप नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बार लिखते हैं, यह भारत जो है बौनों की प्रजाति वाला वह देश है जहां रह रहे लोगों का ठीक से अब तक शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाया है, यह बाबा साहब लिखते हैं। तो हम लोग भारतीय समाज का जो सवर्ण समाज है भारत का, वो अभी विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है, अभी पूरी तरह मानव और इंसान नहीं बन पाया है। अभी भारतीय समाज इंसान बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। एक बड़े यूरोपियन विद्वान लिखते हैं कि राष्ट्र बनता है जब दुख साझा हो जाए। जैसे आपको कोई तकलीफ हुई तो हमारा दिल भी दहल जाए, तो दुख जब हम अर्नेस्ट रेनॉन, बहुत बड़े एक फिलोसफर हुए, उन्होंने लिखा, ये बात बाबा साहब भी दोहरा चुके हैं, हाँ, दुख जब साझा होता है तब राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हम लोग राष्ट्र अभी बने नहीं, हम लोग कबीले हैं अभी, बर्दाश्त नहीं, कोई मटका छू ले तो मार दें, मूछ रख ले तो हत्या कर दें। इसका मतलब है भारतीय समाज जो है अभी कबीलाई दौर में ही, हम लोग इंसान बनने की प्रक्रिया, बंदर से जो इंसान बनने की प्रक्रिया है भारतीय समाज में जातिवाद में पूरा नहीं होने। इसीलिए तो देखिए कोशिश करके देख लिया, अब आर्थिक आधार पर जब आरक्षण आएगा तो शायद लोगों में ये एकता आ जाए। EWS आ गया ना, इससे अब आर्थिक आधार पर आरक्षण का एकता से क्या लेना देना। एक तो आरक्षण को लेकर जो परसेप्शन ही सवर्ण मीडिया ने गढ़ा है, सवर्ण समाज ने गढ़ा है, वो ही गलत है। अभी मैं उदाहरण दे रहा था, अखिलेश यादव तो आर्थिक तौर से मजबूत हैं, अखिलेश यादव जब सीएम आवास छोड़ते हैं तो क्यों धुलाया जाता है कुर्सी को गंगा जल से, वो तो आर्थिक रूप से मजबूत हैं। और ऐसे उदाहरण रोज होते हैं, ऐसा भेदभाव रोज होता है। अब बताइए 225 जो है सचिव चलाते हैं इस देश को, जो IAS होता है, जो PMO में बैठते हैं, उसमें से एक भी जो है OBC नहीं है, SC तो एक आधा भी जाता है, OBC एक भी नहीं है। तो फिर वहाँ तो आर्थिक आधार पर IAS होते हैं, वो सीनियर IAS, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, वो PMO में क्यों नहीं है? इस देश में जितने प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर SC ST OBC समाज के, वो तो प्रोफेसर हैं, उनकी 1.5-2-3 लाख रुपया सैलरी है, आर्थिक आधार पर तो ठीक है, उनको फिर आप क्यों नहीं बना रहे हैं वाइस चांसलर? इस देश में जो जज हैं SC ST OBC समाज में, ऐसा नहीं है कि आर्थिक आधार पर अच्छे जज नहीं है, हैं, लेकिन उनको आप वकील, उनको आप जज क्यों नहीं बना रहे हैं? ब्राह्मण जज का बेटा ही ब्राह्मण जज क्यों बनेगा? जाहिर सी बात है इस देश में भेदभाव का आधार ही जाति है, इसलिए आरक्षण का आधार कभी आर्थिक नहीं हो सकता है, वो पूरी तरह से गलत अवधारणा है। अगर आर्थिक रूप पे आपको चाहिए, आराम चाहिए, आर्थिक सहूलियत चाहिए, तो जाके मनरेगा की लाइन में लगिए, वो है ना आर्थिक सुधार का कार्यक्रम। आरक्षण आर्थिक सुधार का कार्यक्रम नहीं है, गलत परसेप्शन सवर्ण मीडिया ने गढ़ा है। चलिए बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बारीकी से आपने एक बार फिर से आरक्षण की जो पूरी पाठशाला है उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।